हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन में। आज आपके लिए ऐसे पांच क्वेश्चंस लेके आए हैं पेपर वन से कम्युनिकेशन टॉपिक के, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो रिपीट होके पूछे जाते हैं, जिनके अलग अलग वर्जन्स पूछे जाते हैं। तो बहुत ही क्विकली मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, 5 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और 5 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन सबको पॉज करके वीडियो एक मॉक टेस्ट दीजिएगा। अपने आंसर्स आपके 5 में से कितने सही होते हैं कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कहती है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। इफेक्टिव टीचिंग, रीजन उसका कहता है इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। जी नहीं, ये स्वाभाविक क्षमता नहीं है। और तर्क जो है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो आप ये देखेंगे कि सेकेंड ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस, प्रभावी संप्रेषण से पहले ये माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है प्रभावी संप्रेषण या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जनवरी 2017 का क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरफ हमें ले जाती है। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही आंसर है पर्सुएशन करना। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। परसुएट करते हैं जब आप किसी को, तो वो एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मानी जाती है। ये भी जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर सारे के सारे इक्वल स्टेटस के लोग हैं, तो कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया सूट करेगा। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड सबसे ज़्यादा सूट करेगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप एक ही हायरार्की के इंसान होते हैं तो इस सिचुएशन में जो मेथड यूज़ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो ऐसे होती है। और अगर आप वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो ऐसे होती है, जैसे वर्कर्स बात करते हैं एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, या आपके जूनियर्स बात करते हैं अपने बॉस से, तो वो क्या होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। जुलाई 2016 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सा एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, प्रभावी संप्रेषण में कौन सा अवरोध है। तो देखिए, मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल या कमेंट करना किसी पे, या डायलॉग समरी या सेल्फ रिव्यू देना, या सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करके कूल रिएक्शन देना, या फिर पर्सनल स्टेटमेंट या आई कांटेक्ट या सिंपल नरेशंस देना। तो हम ये देखते हैं, पहला जो स्टेटमेंट है मॉरलाइजिंग, किसी के प्रति जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि उसके प्रति हम एक सोच बना लेते हैं फिर। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा बैरियर है। जुलाई 2016 का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही कम समय लिया मैंने आपका इस वीडियो में, और जल्दी से जल्दी 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन के बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। शुक्रिया।